बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़ में 18 जनवरी को ये घटना हुई थी। घटना जहां राजनंदिनी स्वीट्स के पास एक अपराधी हर्षित कुमार सिंह और उसके साथियों द्वारा हथियार लहराते हुए एक युवक को पीटने की बात सामने आई थी, जहां सूचना पाकर मौके पर सिटी थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंची। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने कहा कि पुलिस को देखकर आरोपी हर्षित कुमार सिंह और उसके पिता शैलू सिंह अन्य आरोपी विश्व मोहन और युवराज कुमार को लेकर के भाग रहा था। सिटी थाना पुलिस के द्वारा पीछा करते हुए चारों आरोपियों को पकड़ा गया, जहां पुलिस ने तलाशी लेने के क्रम में हर्षित कुमार सिंह के कमर से देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही साथ पुलिस ने दो मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। डीएसपी ने कहा कि आरोपियों को अब जेल भेजा जा रहा है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। 2022 को 11:30 बजे के करीब थाना प्रभारी को सूचना मिली कि राजनंदी पेड़ा दुकान जो नया मोड़ में स्थित है, वहां पे कुछ एक लड़का है हर्षित नाम का है, जो हथियार लहराते हुए अपने सहयोगियों के साथ मारपीट कर रहा है। इसी सूचना के आलोक में थाना प्रभारी स्वयं अपने टीम के साथ वहां गए। वहां पे जाके देखे कि वहां मारपीट की घटना हुई है, और जबकि वहीं पे खड़ा था। इसी में जब पुलिस पहुंची तो वो लोग वहां से हटने का प्रयास करने लगे जो अपराधी थे। जब हटने लगे तो उस नया मोड़ चास वाले रास्ते में उन लोगों को पीछा कर पकड़ा गया है, जिसमें से एक हर्षित कुमार सिंह है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया है। ये आपराधिक इतिहास है हर्षित कुमार सिंह का? हर्षित कुमार सिंह का BSET में भी पहले पूर्व में अपराध करने की घटना दर्ज की गई थी, और अन्य थाने में लोग अभी पता लगा रहे हैं, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि आपराधिक इतिहास है। कुल कितने लोग पकड़े हैं इस घटना में? कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। किस भावना से तमंचा चला रहा है वहाँ पे? चाय का दुकान में ये लोग चाय पीने गए थे, जो वादी पक्ष के लोग हैं। इसी में जो हर्षित कुमार है वहाँ पे हथियार दिखाया, लहरा रहा था, दिखा रहा था, तो एक लड़के ने उसे बोला कि हथियार यहाँ पे क्यों दिखा रहा, तो उसी में उलझ गए लोग और मारपीट वहाँ पे प्रारंभ हुई। सर एक चीज बताइए, ये लोग सब बोकारो से या बोकारो से बाहर से आ रहे हैं? नहीं, ये तो बोकारो के ही चास रहते हैं।